गुरुकुल का ही हिस्सा हूँ और हमारे दोस्त जिनको हम कभी भूल ही नहीं सकते, उसी गुरुकुल में मैं और मेरे दोस्तों ने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। वो जगह अभी भी हम लोगों को बुला रही है। आज मैं और मेरे दोस्त वहीं पर मुलाकात करने जा रहे हैं। ये है कमलापुरम और यह है कमलापुरम का बस स्टॉप। यहीं पर हमारी दोस्ती का सफर शुरू हुआ था। अबे इतनी क्यों पीता है यार? अरे टिकट पीता रहता है। स्टूपिड इडियट, इन लोगों को जरा भी कॉमन सेंस नहीं है ना? ओ भारतीय नारी, क्या बक रही हो? कहीं भी बैठ के सिगरेट पीते हो, तुम लोगों में कॉमन सेंस नहीं है क्या? यूजलेस। सिगरेट को मुंह में पकड़ के उसके धुएं को अंदर खींचना, ऐसा हमारे सीनियर ने हमें बताया है। ये सब तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें सिखाने के लिए तुम्हारे पास कोई और ज्ञान है तो दे दो। नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? ओह, इसका मतलब तुम्हारे फर्स्ट नाइट में भी तुम्हारा सीनियर ही आकर तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, ऐसा भी है क्या? नहीं, बस चलो चलो। हेलो, रुको, अभी हम तीनों की शादी भी होगी और फर्स्ट नाइट के बारे में बोला था ना, वो भी सुपर होगा। अच्छा, हमारे सीनियर भी अच्छी तरह से सिखाएंगे कि फर्स्ट नाइट कैसे मनानी है, लेकिन दुल्हन कौन होगी बताया गया? तुम तीनों फर्स्ट नाइट के लिए दूध फल वगैरह का इंतजाम करके रखना। छोड़ो, इनके साथ क्या उलझना। चलो अच्छा हुआ यार, बहुत आएगी। ये हमारी सीट है, जरा उठेंगे क्या? क्या तुम्हारी सीट है? बिल्कुल। तो तुम लोगों का नाम ही नहीं लिखा। क्या नाम है तुम्हारा? इसके ऊपर तो बॉल बॉल लिखा है। तुम्हारा नाम बॉल बॉल है क्या? हेलो, रुमाल डालने के बाद सीट हमारी हो जाती है। अरे ओ भाई विक्की, क्या हुआ रे? ये बोल रही है रुमाल डालने से सीट इनकी हो गई। ऐसा बोल रही है क्या? नहीं बताता, रुमाल इनके ऊपर डाल के इनको फंसा दिया। क्या कर रहे हो? अरे मैडम, आप खुद ही तो कह रही थी ना कि रुमाल सीट के ऊपर डालने से सीट आपकी हो गई, तो लो ना एंजॉय करो। अभी मैंने आपके ऊपर रुमाल डाला है ना, तो आप तो मेरी हो गई। कंडक्टर। कंडक्टर नहीं, मिस कंडक्टर है। ए हटना, हट यहाँ। का प्रॉब्लम है बताओ? हाँ बताओ। देखिए कंडक्टर, ये हमारी सीट है और ये लोग यहाँ आकर बैठ गए हैं। क्या हो रहा है? सुनो, हमारे राजा को हम नहीं उठा सकते। चाहो तो तुम लोग टॉप पर चले जाओ। मेरे राजा, देखो ये सीट हमारी है, उठाओ। ये तो क्या हुआ? चला गया। क्या हुआ? हमारी सीट है, हम नहीं आएंगे। वहाँ वो नाला देख रही हो ना बेटी, वहीं से गुरुकुल का रास्ता। कुछ देर इंतजार करो, वहाँ के लिए गाड़ी मिल जाएगी। जबरदस्त नेचर है यार यहाँ। मस्त है ना भाई? तेरी वजह से हमारा नाम भी खराब हो गया। गुरुकुल जाने के लिए कोई गाड़ी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, अभी 6 बज चुके हैं। 6 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती, सुबह 8 बजे मिलेगी। एक काम करो, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, वहाँ आ जाओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। उसके बाद सुबह तुम लोग निकल जाना। हमें पता है, इधर 3 किलोमीटर जाने से अच्छा है इधर 4 किलोमीटर जाएंगे ना तो गुरुकुल पहुँच जाएंगे। आपका प्लान क्या है मुझे पता है। आप चाहते हैं कि हम लोग आपके घर आए, वहाँ पे हम लोग रुके, खाना खाए, उसके बाद हम एक बड़ी सी फिल्म बना देंगे। हमें सब पता है, बेंगलुरु के लड़के हम लोग। अरे यार क्या पागल आदमी है, तुम लोगों में चर्बी कुछ ज्यादा है। अगर इस तरफ जाओगे तो जान से जाओगे, क्योंकि जंगल में शेर और चीते बहुत है। मेरा क्या जाता है, तुम्हारी किस्मत, जो करना है करो। अरे पागल, तेरी होशियारी के चक्कर में हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब चलो इनके पीछे ही चलते हैं। अच्छा देखना, ये सीनरी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इस तरह चलते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था। हाँ यार, अब चल चल के थक जाएंगे तो होटल भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। ठीक है, कितनी हरियाली है ना। ओह, लगता है ये भी गुरुकुल ही आ रही है। ठीक है, आने दो। हे, देखा तुमने? डेली दारू पीने के लिए ये बहुत मस्त जगह है। अबे क्या हो गया तुझे? क्या हो गया है तुझे? लोकेशन देखकर कितना मजा आ रहा है, तो एंजॉय करना भाई। थू, बेकार के। कैसी एंजॉय की बात कर रहे हैं? वो आदमी बोल रहा था ना कि जंगल में शेर और चीता मिल सकते हैं। मेरे तो नौ द्वार से पानी निकल रहा है यार। अरे ओ भाई, उस आदमी ने कहा था ना शेर और चीते हो सकते हैं। hey, मेरे दादा परदादा अपने जमाने में लकड़ी दिखाकर शेर को भगा देते थे। डोंट वरी, तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए। भाई इज हियर। अबे गेट पे बंधे हुए कुत्ते के भौंकने से तू 9 किलोमीटर दौड़ता है और यहाँ पे फालतू बिल्डअप दे रहा है। सुनो तन्वी। हाँ? एक मिनट रुको ना। क्या हुआ? उस आदमी ने बताया था ना, इस जंगल में शेर चीता हो सकता है। देखो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमें उन लड़कों से रिक्वेस्ट करके उनके साथ ही चलना चाहिए। देख,
क्या हुआ? हमारे बीच जो झगड़ा हुआ उसके लिए सॉरी। आप लोग भी गुरुकुल जा रहे हो और हम लोग भी जा रहे हैं, तो? इसीलिए अपने दोस्तों की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। प्लीज क्या हम आपके साथ गुरुकुल जा सकते हैं? कमसिन भाभी की हिम्मत का पता चल गया ना, इसलिए बुजुर्ग कहते थे कि लड़कियों को हमेशा सिर झुका कर ही चलना चाहिए। अभी हम मर्द लोग कोई डिसीजन लेते हैं, तब तक आप दो कदम पीछे जाकर खड़ी रहो। चलो 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 पीछे। अरे ओ भाई, अगर हम अपने दिमाग से काम करेंगे तो हमारी जान बच सकती है, समझा ना? जैसा कि उस आदमी ने कहा था, इस घने जंगल में शेर और चीते मिल सकते हैं हमें। जब शेर चीते आएंगे ना, तो इन्हें सामने कर देंगे खाने के लिए और हमारी जान उन जानवरों से बच जाएगी। और हाँ, एक बात और सुन लो, उन लोगों को इस प्लान के बारे में बिल्कुल ना पता चले, समझे ना? नहीं तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। उन्हें अपने साथ लेके उन पे एहसान जताते हैं। देखो, तुम लोग हमारे साथ आ सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो क्या ना, रास्ते में हमें शेर चीता मिल सकते हैं और हमें उनके साथ फाइट करनी पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही है हम लोग कितने बड़े फाइटर हैं, लेकिन उस वक्त हमें हमारा ये बैग डिस्टर्ब करेगा, तो तुम लोग अगर बैग उठाने को तैयार हो तो हमारे साथ आ सकती हो। क्या बोलता है भाई? दैट्स ओके, हम लोग बैग पकड़ लेते हैं, गधे को बाप बनाना पड़ेगा। हम लोग हैं ना, कोई टेंशन नहीं, बात नहीं, आराम से रहने का। डरो मत, हम लोग आगे जाएंगे। हम लोग हमारे पीछे, चलो कम ऑन, फॉलो जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए भाई, इसके भाई, ये आवाज तूने की थी ना? वो मेरे मोबाइल के रिंगटोन है यार। तू तेरी तो जब देखो हमारी इज्जत की नीलामी करता है। हेलो, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं होगा। आप लोग खाली हमारे बैग पर ध्यान देना। अरे उठाओ ना बैग। सोनी, क्या हुआ? सोनी, सोनी उठो। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? सोनी, 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 क्या हो गया तुम्हें अचानक से? ये लो पानी पी लो। क्या हुआ सोनी, उठो ना। पियो, क्या हुआ? उठो। क्या हुआ सोनी? चला नहीं जा रहा, मुझे चक्कर आ रहा है। सोनी उठो, उठो सोनी, सोनी प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना। ए विकी, इसकी कंडीशन देख के लगता है इसको उठा के ले जाना ही अच्छा होगा। क्यों भाई, चल उठा ले इसको। तुम लोग इतने अच्छे हो ये हमें पता नहीं था, लेकिन जब हमसे मिले थे तुमने इतना गंदा बर्ताव क्यों किया था? ओ, क्या है कि चिनी 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 जानू, मेरी बात तो सुनो। चलो ऊपर आ जाओ ना, बात तो सुनो मेरी। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अरे मेरी, देखो चिनी, तुमने कहा था ना कि मुझे अच्छा नहीं दिखना है, इसलिए मैंने दाढ़ी रहने दी है कि नहीं? अब तुम मुझे यहाँ से कूद के जान देने के लिए बोल रही हो, ऐसा कैसे चलेगा जानू? वो सब मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारा जो प्यार है वो 100% सच है या नहीं, यहाँ से कूद के ये साबित करो बस। अरे देखो यार, आंखें मांगो आंखें दे दूंगा, किडनी मांगो किडनी भी दे दूंगा, दिल मांगो उसे पूरा निकाल के दे दूंगा, लेकिन जान मांगोगे तो कैसे चलेगा? ये तो गलत बात है ना जानू। अभी तुम कूद रहे हो या नहीं? यहाँ से कूदने में डर लग रहा है, मैं वहाँ से भाग के आऊंगा फिर आंखें बंद करके सीधा नीचे कूद जाऊंगा। हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, शक्ति दे माँ, हे माँ, हे माँ कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। जानू, अगर मैं यहाँ से कूदूंगा ना तो सीधा ऊपर जाऊंगा। हाँ ठीक है, एक मिनट, एक मिनट जानू, यहाँ से कूद के मेरा प्यार 100% सच है ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा प्यार 100% सच है या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए जानू एक काम करते हैं, जानू यहाँ से हम दोनों कूद करके जान दे देते हैं, फिर तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो जाएगा, मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर अगले जन्म में बिना किसी डाउट के हम प्यार से अपनी जिंदगी जिएंगे, क्या बोलती हो? अप्पू सॉरी जानू, समझने की कोशिश करो, हम दोनों का प्यार बस यहीं तक था और अब मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। सुनो, ये लास्ट टाइम था, इसके बाद ना मुझसे मिलना ना कभी फोन करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाय। hey, जरा सुनना, क्या कहा? मैं तुम्हें भूल जाऊं? वैसे तुम्हें भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। hey, तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारी याद में शराब पी करके रोड पे ऐसे देवदास की तरह इधर उधर घूमता रहूंगा ना? काइंड यू इन्फॉर्मेशन, मैं कृष्ण भगवान का फैन हूँ, तुम्हारे घर पहुँचने से पहले तुमसे अच्छी लड़की पटाके उसके साथ सेल्फी लेके स्टेटस अपलोड करूंगा, फिर उस स्टेटस पे तुम कमेंट करती रहना। और हाँ, तुमने मुझसे क्या कहा था? बाय ना। अबे तू कौन होती है मुझे बाय बोलने वाली? मैं तुझे बोलता हूँ गुड बाय।
चल निकल। विकी, मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता देखा है। उसके साथ मेरी शादी होने वाली है। मैं खुशी से जीऊंगी तो तुम्हें भी खुशी होगी ना। मेरी शादी के दावत में आओ ऐसा कहने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि वहाँ आकर कोई लफड़ा मत करना, ठीक है ना? बाय। ए, रुक, तेरी तो क्या लगा तुझे? तू मुझे छोड़ देगी तो मैं तेरे प्यार में पागल बन के घूमूंगा। ऐसा मत करो, छोड़ो। दिखाता हूँ मैं अभी, लड़कों को पागल समझ के रखा है क्या? पत्थर से सर फोड़ दूंगा तेरा। तुम लड़कियां लड़कों को समझती क्या हो? इधर देख, मेरे सामने मेरे मुंह पर थूक रही है क्या तू? खुद मेरे पीछे पड़ी थी ना तू कि मुझसे प्यार कर, मुझसे प्यार कर। मैंने तेरे को बोला था कि तू मुझसे प्यार कर। मैं तो एकदम मस्त शराब सिगरेट पीकर लड़कियों के साथ रॉयल जिंदगी जी रहा था। तूने खुद आकर मेरा नंबर मांगा ना? कॉल मांगा कि नहीं? उसके बाद तूने खुद आकर मुझसे बोला था कि दोस्ती करेंगे, दोस्ती निभाएंगे। फिर बाद में प्रपोज भी तूने आकर किया था ना मेरे से। फिर मैंने तुझसे कहा भी था कि मुझे ये प्यार व्यार समझ में नहीं आता, मैं एक नंबर का लोफर हूँ। तो तूने कहा था कि ओहो मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगी। इस तरह तूने ही मेरे को जबरदस्ती की थी ना। तो मैंने तेरे से प्यार किया। जब प्यार शुरू हुआ तो सुबह दोपहर शाम मैसेज पे मैसेज, जानू आओ ना, मिलना है तुमसे, जल्दी आओ। तब पैसे नहीं होते थे लेकिन मैं फिर भी अपने दोस्तों से पैसे लेकर तेरे पास आता था। और आज तू कह रही है कि तेरे पिताजी ने तेरे लिए करोड़पति लड़के का रिश्ता लाया है और उसके साथ मैं अपनी लाइफ सेटल करने वाली हूँ, ये सब कहकर मैं तुझे मनाने आई हूँ, ऐसा बोल रही है क्या तू? तेरी जात का पैदा मारू। अब तू क्या चाहती है कि मैं तुझे भूल जाऊं? इतने दिनों से मुझे फंसा कर मेरे साथ रॉयल जिंदगी जी कर घूम फिर कर खा पी कर मजे कर रही थी। जो बोल रहा हूँ कान खोल कर सुन ले। मेरे एरिया में किसी लड़के के साथ नजर आई तो उसी दिन तुझे जान से मार दूंगा, समझ गई ना? संभाल कर रहना, चला हट यहाँ से। तू मेरा साथ छोड़ देगी तो मैं बीच रोड पे आ जाऊंगा क्या? तो सुन, अभी मेरे पास पैसे है, मैं कुछ दिनों तक बार में बैठकर शराब के साथ चखना खाकर रॉयल जिंदगी जी सकता हूँ। तू नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही, पूरी दुनिया की लड़कियाँ मेरे लिए बनी है। तू संभाल के रहना। बढ़िया, मेरे साथ शान पट्टी करिए, चला। ये तो बहुत बड़ा फ्लैशबैक था यार। आज तुम लोगों की वजह से बहुत मदद मिली है। Thanks. जब से हम मिले तब से हमारे बीच सिर्फ झगड़ा ही हुआ है, आगे से हम फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। फ्रेंड्स? फिर तो ये कोई मामूली दिन नहीं होना चाहिए, आपस में गले मिलके से यादगार बनाते हैं। कम ऑन यार, इतना काफी है या और दूं? बहुत तेज है ये लड़की। जनरेटर संभाल लो अपना। तुम लोग अपना मुंह बंद करो, वो देखो सामने एक गाड़ी आ रही है, रुकते हैं उसे। चलो आ जाओ, रुकते हैं। अच्छा ये गाड़ी गुरुकुल जाएगी क्या भैया? हाँ जाएगी, छोड़ दो वहां तक। ठीक है, आइए भैया। यही हमारा गुरुकुल है, हम सारे दोस्त बने थे इसी गुरुकुल में। झगड़ा भी हुआ था लेकिन हम एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सके, इतना मजबूत रिश्ता था हमारा। कम से कम लड़कियों के सामने तो अपनी इज्जत बचा कर रखना सीखो। बर्थडे पार्टी मनाएंगे तो ये लोग भी मान जाएंगी। मान जाएगी, पार्टी देगा? अभी कॉलेज खत्म हुआ है, अब तक इसने एक भी पार्टी नहीं दी है। तुम लोगों ने हमारी ही जेब काटी है, आज तुम्हारा बर्थडे है और आज तुम्हें पार्टी देनी ही होगी। अरे तुम भी ना इससे पार्टी मांग रही हो क्या? इसके भरोसे रहना तो पार्टी तो नहीं मिलने वाली, ये बात पक्की है। ये तो कंफर्म है यार। तू तो मेरा प्यारा सोना है, पार्टी कब दोगे? क्या बात करती हो, तुम लोगों को पार्टी चाहिए ना? देता हूँ, अभी देता हूँ, आ जा रे। अरे वाह, चलो 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 बैठो, चलो बैठो। ये मेरी नई ड्रेस है, जब ड्रेस बदल जाती है तो कॉन्सेप्ट भी बदल जाता है कि नहीं भाई? वन मिनट मिस्टर जगन्नाथ, प्यार का बुखार मेरे सर पे चढ़ा है और आपकी बेटी मेरे प्यार में कब पड़ेगी पता नहीं। अरे यार इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही प्यार है, प्यार के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम सब लोग प्यार। अरे यार उधर देखना, तुझे प्यार करने वाले रविचंद्रन की तरह प्रेमियों को मिलाने का शौक है ना, तो वो देख वहाँ पर प्रेमी भाग रहे, जा जाके मिला उनको। अरे जा, अब तुम लोग देखो मैं क्या करता हूँ इन सबका। अरे देखो लड़का कितना स्मार्ट लग रहा है, और आपको दहेज भी तो नहीं देना पड़ेगा ना, आपकी पोती की भी जिंदगी अच्छी रहेगी। चलो चुपचाप आशीर्वाद दो। अरे वो इसकी पोती नहीं, इसकी तीसरी बीवी है। तीसरी बीवी? अरे बाप रे, क्या हुआ भाई? अरे यार उसकी बीवी को उठा कर ले आए और शादी करवा दी, ये बहुत गंदा काम किया है। ए, तुम सारा कांड किया तुम लोगों ने, इसमें बेचारा ये फंस गया। इसकी तो बिना सोचे समझे ऐसा काम कर दिया यार। मैं तुम लोग इधर आ, वन फुल बॉटल चिल्ड बियर की लेकर आ। जाना ऐसे घूर गया रहा है बे, चल गया
दोनों आंखें निकाल लूंगी मैं। जा, तेरे पास ही आंखें हैं क्या? मुझे पहचानता नहीं अभी तू। देख क्या रहा है, जिंदा गाड़ दूंगा। बॉस, ये लो बॉस। वाह, तो तुम लोग गुंडे हो क्या? गुंडागिरी दिखा रहे हो? ए भाई, हम कौन है इसको पता? गुंडागिरी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं हम। 6 लोगों को मारने के लिए इतने लोग आए? अगर तुम में हिम्मत है तो हम पे हाथ उठाओ, सबका चूरमा बना देगा ये हमारा राजा। अगर एक बाप की औलाद हो ना तो इसको राजू को मार के दिखाओ, दिखाओ मार के। देखो, बहुत एंजॉय करते हो, करो करो करो। बहुत हो गया, तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते। मेरा नाम सुन के शिवाजी नगर, गोपीपुर, कैलाशपुर के लोग दर 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 कांपने लगते हैं। इस शहर का किंग हूँ मैं रे। क्या बोलते हो यार? चले गए कमीने, मुझे छोड़ के भाग गए। देखा तुम लोगों ने ना कितना खौफ है मेरा। अगर तुम में हिम्मत है और अगर तुम्हारे सीने में जिगरा है तो मैं भाग रहा हूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? हम स्टैचू है। स्टैचू? अबे कहते हैं वो हीरो है, हम विलन है। चल पकड़ उसको। यही छुट जाते हैं। लगता है यही लोग हैं। ध्यान से देखो इनको। ए, हमारे बॉस यहाँ पर है, उन्हें चेहरा दिखाओ। मेरी बहन किसी के साथ भाग गई है, इसलिए हम लोग अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते। चलो जाओ यहाँ से। ए, तूने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? भाई, इसकी बहन को जो भगा कर ले गया वो मेरा भाई है, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। ये तो फीलिंग केस है। ए, ये लोग नहीं है, हो सकता है वो लोग है। चलो जल्दी करो, पकड़ो उन्हें। चलो उधर कहाँ जा रहे हो? इधर भाग रही है। चलो जल्दी, चलो इधर। मैडम धीरे धीरे भागो मैडम, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। हमारा वो पागल बॉस 2 वक्त का खाना खिलाकर मुझे पूरे गाँव में घुमा रहा है। मैडम कुछ खाना खिला दो हमें मैडम, बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम खाने को खा रहे हो? जब देखो खाने के पीछे पड़े रहते हो। चलो उनको पकड़ो, चलो आओ। तुम वहाँ पेड़ के पीछे छुप जाओ, बच जाओगे। और उनके यहाँ आते मैं उनको घुमा दूंगा। तुम जाओ, मैंने जो कहा वो समझ में आया ना तुम्हें? ए, मैंने सब कुछ सुन लिया है, सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। हम लोग उन्हें घुमाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। ए, चलो रे। अरे यार कितना थका दिया हूँ। हाँ सही कह रहे हो, हमारे पीछे रहते आ रहे थे। इधर भी लाओ, मुझे भी देना थोड़ा सा। हमको बिठाओगे क्या? बिठा वरना मार दूंगा तुझे। मुझे बॉस को अर्जेंट बस डिपो लेकर जाना है। ये बस पर चढ़े या बस इस पर चढ़े इसे हमको क्या लेना देना। पहले तो हमको गुरुकुल जाना है। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो गाड़ी में चलो। पहले हम लोग बहुत बड़े घूमने हैं, मार देंगे तुझे। इसके सर को देख के मुझे मेरे प्रिंसिपल की याद आ रही है। हाँ, इसकी आँख नाक होंठ चेहरा सब कुछ हमारे प्रिंसिपल जैसा लग रहा है। देखो तो इसको इतना से घूर क्या रहा है? आगे निकाल के गोटियाँ खेलूंगा, समझा? आराम से चला यार, अभी मुझे जिंदगी जीनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। सही कहा कि नहीं भाई लोग? मान लिया मान लिया बेटा, मुझे डाउट हो रहा है। तू हमारे बैड लोफर प्रिंसिपल जैसा दिख रहा है। कमाल है, तेरे पिताजी प्रिंसिपल के घर गए थे या प्रिंसिपल के पिताजी तेरे घर आए थे, ये बात कंफ्यूज कर रही है। आजकल ना यही सब चल रहा है, छोड़ चलने दे। लेकिन कल तुझे हमारे कॉलेज में आके हमारे डाउट को क्लियर करना होगा, नहीं तो बेटा जिंदा गाड़ दूंगा। समझ गया? आ गया आ गया, गुरुकुल आ गया, हम गुरुकुल के अंदर। थैंक यू गुरुकुल।
गुस्से में है, हमें बाहर निकाल देंगे। देखो मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप के बारे में बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से मैं उसे कॉलेज से निकालता हूँ। सर, हम बाहर मिलते हैं। अरे रुकना। अरे यार सॉरी दोस्त। अरे सर, नशे में कुछ अनाप शनाप निकल गया मुंह से, वो भी इन कमीनों की वजह से। सर मेरे साथ ऐसा कुछ मत कीजिए सर, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सर। प्रिंसिपल साहब ने अभी कुछ बोला नहीं है, तू ऐसे क्यों बक रहा है यार? मैं इतनी देर से जो बक रहा था वो सब सपना था क्या? नहीं तो क्या, अब पता चल गया ना, ऐसी टांग खींच रहा था। के बाद में फोन करता हूँ। देखो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हो या फिर इस तरह की हरकतें अपनी जिंदगी बर्बाद करने आए हो क्या? देखो अगर तुम लोग ऐसा ही करते रहे तो तुम लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे तुम लोगों की वजह से मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। जिस बस से मैं जाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें जितने लोग थे मर गए। तुम लोगों ने जो कुछ गलत किया उसके बाद हमेशा अच्छा होगा ऐसा मत सोचना, समझ में आया क्या? ठीक है सर। आइंदा इस तरह की हरकतों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ में आया ना? चलो अब जाओ। ठीक है सर, सॉरी सर। थैंक यू। उस दिन के बाद हम सीरियसली पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। हमारा कॉलेज कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। हम लोग हर साल अपने दोस्तों के साथ यहाँ आकर मिलते हैं। यहाँ पर मिलने के लिए मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। नहीं, उन लोगों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एक मिनट, पूर्वी किसका फोन था? नहीं कुछ नहीं यार, बस माँ का फोन था। मुझसे झूठ मत बोलो, किसका फोन था ये बताओ। बताया तो माँ ने फोन किया था। तुम्हें हमारे दोस्ती की कसम, किसका फोन था ये बताओ। तुम लोगों को वो बात मैं बताता हूँ। पूर्वी और विकी दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स है। पूर्वी के पिताजी को बचाने के लिए डॉक्टर ने लगभग 40 से 50 लाख का खर्च बताया है, और ये विकी, इसने बिजनेस शुरू किया था उसमें इसे काफी लॉस हो गया है। इसने कसम दी थी कि इस बारे में मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन आज मजबूर होकर मुझे तुम सबको बताना पड़ा। ये सब क्या हो रहा है विकी? मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था। उस बिजनेस के लिए यहाँ वहाँ से कर्ज उधार, बैंक से लोन लेकर पैसे जुटा कर उसमें डाले थे, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी की। अगले 5 महीनों में मैंने बैंक के 5 करोड़ नहीं दिए तो मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरी फैक्ट्री, सब कुछ वो सीज कर देंगे। इस मामले में मेरे माँ बाप को भी नहीं पता, क्या होगा कुछ पता नहीं है। बहुत डर लग रहा है यार। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो 1 भी रुपए कमा नहीं पाएंगे। इन लोगों की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए गलत रास्ता अपनाना होगा। देखो यार, सही रास्ते पे चलना होगा तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मुझे भूल जाओ, क्योंकि बुरे रास्ते पे मैं तुम लोगों के साथ नहीं। मैं भी राज की बात से सहमत हूँ। सही कहा तुम्हें, अगर ये प्रॉब्लम तेरी फैमिली के साथ होती ना तब तू ऐसा नहीं कहता। प्रॉब्लम तो उसकी है ना। देखो एक बात मैं साफ साफ कह देता हूँ, मेरी फैमिली को तकलीफ थी तब इसने मेरा साथ दिया था, आज इसके ऊपर तकलीफ आई है तो मैं इसके साथ रहूंगा। अपो, तुम लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा यहाँ आऊंगा। हेल्प करने का मन हुआ तो करना, कोई जबरदस्ती नहीं। देखने वालों को शर्मिंदगी होगी, हमने जो काम सोच कर रखा है वो करने के लिए दिल को मजबूत करके रखना होगा। मुझे तो लगता है कि मंदिर की मूर्ति चोरी करना बेटर ऑप्शन है। मंदिर की मूर्ति आज तक जिसने चुराई है
जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहा है। नहीं तो अगर हम किसी अमीर को किडनैप करके ब्लैकमेल करेंगे तो? नहीं, क्योंकि इससे पहले विकी भी बहुत अमीर आदमी था। इसकी स्थिति को देखो, इसकी तरह किसी आदमी को इस परिस्थिति में नहीं लाना है। बैंक रॉबरी, अगर हम बैंक रॉबरी करेंगे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट उनका पैसा किसी भी तरह से चुका ही देगी। सो बैंक रॉबरी प्लान करते हैं। धोनी एकदम ठीक बोल रही है, हम सब मिलके बैंक रॉबरी करेंगे, वही ठीक रहेगा। ICICI बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और स्टेट बैंक, इन बैंकों के सामने सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। इस वजह से इन नेशनल बैंकों में रॉबरी करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। नेशनल बैंकों में रॉबरी करना मुश्किल तो होगा, लेकिन कोऑपरेटिव्स बैंक में रॉबरी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। दंगावली में जो KPL कोऑपरेटिव बैंक है, बैंक के इर्द गिर्द कोई घर नहीं है, सिर्फ कुछ ऑफिसेस हैं और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और कुछ नहीं। हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कोई भी दुकान 10 बजे से पहले नहीं खुलती, तो दंगावली में जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें रॉबरी करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। बिल्कुल सही, विकी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बैंक बैंगलोर सिटी के बॉर्डर पर है, तो रॉबरी करने के बाद भागने में आसानी होगी। मैनेजर को हम किडनैप करके बैंक मैनेजर से बैंक के सारी सीक्रेट को पता कर सकते हैं। इससे आसानी से हम बैंक में रॉबरी कर सकते हैं। ये अच्छा आइडिया है, इसके बारे में तुम लोग क्या सोचते हो? अगर हमने बैंक मैनेजर को किडनैप किया तो हम बहुत ही आसानी से फंस सकते हैं, क्योंकि अगर हम बैंक के अंदर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे CCTV कैमराज होंगे और उसमें हम रजिस्टर्ड हो चुके होंगे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आसानी से पकड़े जाएंगे, इसलिए ये सेफ नहीं होगा। इसलिए हम बैंक मैनेजर के कोट में हिडन कैमरा छिपा कर रखेंगे, जिससे हमें सब आसानी से पता चल जाएगा। तन्वी जैसा बोल रही है, हम हिडन कैमरा छिपा कर बैंक के सारे सीक्रेट्स का पता लगा सकते हैं। बैंक मैनेजर के सूट में हिडन कैमरा छिपाना कोई आसान काम नहीं होगा, वो हर दिन अपना सूट बदलता रहता है। मुझे लगता है कि ये प्लान वर्कआउट नहीं होगा, इसके बदले में हमें कोई और प्लान बनाना होगा। राज, विकी, जरा एक मिनट इधर आना। इस फोटो को ध्यान से देखो, बैंक मैनेजर हर रोज अपना कोड बदलता है, लेकिन पेन एक ही इस्तेमाल करता है। क्यों ना हम अपने प्लान के मुताबिक इस पेन में हिडन कैमरा फिक्स कर दें? राइट। विकी, हिडन कैमरा हमें कहां से मिलेगा? वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। हेलो अफजल भाई, तुम एड्रेस बताओ, मैं लिख लेती हूँ। सर जरा पेन देंगे क्या? हाँ बताओ ना। हाँ ठीक है, क्या कर रहे हो? सॉरी सर, दे हो क्या? सॉरी सर, गलती हो गई सर। इडियट। सॉरी सॉरी, देख कर चलना चाहिए ना। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, हम लोग जयनगर से आए हैं। आपको क्या चाहिए बताइए? हमें प्रॉपर्टी के बदले लोन चाहिए। प्रॉपर्टी कहाँ है? हाँ माँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एड्रेस चाहिए? सर पेन दीजिए ना प्लीज, एक पेपर दे दीजिए। ओके माँ, बताइए। थैंक यू सर। Thank you.
अब हमें की और पासवर्ड के बारे में पता चल गया है। हमारा अगला प्लान क्या होगा? हम कैसे एक साथ मिलेंगे और बैंक रॉबरी करेंगे, ये सोचना है। संडे बैंक का हॉलीडे होगा। हमने बैंक में रॉबरी की है ये बाहर पता चलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा ही लगेगा, और उतने में हम आसानी से एस्केप हो सकते हैं। ठीक 3 बजे बैंक के बाहर सिक्योरिटी वाले साइन करने के लिए आएंगे। पुलिस के निकल जाने के बाद तुरंत बाहर की सिक्योरिटी को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश करना पड़ेगा। अगर हम 4 बजे से पहले बैंक में रॉबरी कर लेंगे तो हम आसानी से एस्केप हो सकते हैं, क्योंकि 4 से 4:15 के बीच दूध और पेपर की गाड़ी आ जाती है। सो हमें 3 से 4 बजे के बीच बैंक में रॉबरी करनी ही पड़ेगी। हमारे प्लान के मुताबिक अगर बैंक में रॉबरी करनी है तो कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, लाइक मोबाइल, डुप्लीकेट सिम कार्ड, ब्लूटूथ, गन, क्लोरोफॉर्म। ये सब कौन अरेंज करेगा विकी? शिवाजी नगर का अफजल। कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई। ये मेरे दोस्त है। ओ अच्छा, कैसे हो? ठीक है। और ये है राजन। ठीक है, आइए आइए, चलिए आइए बैठिए। बताओ दोस्त, क्या काम है आखिर? मैंने दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस के लिए यहाँ वहाँ से मैंने पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया। अगले 5 महीने में अगर मैंने बैंक को 5 करोड़ नहीं चुकाए तो मैं जिस घर में रहता हूँ वो घर, फैक्ट्री सब कुछ सीज कर देंगे। ओके। इसके लिए हमने बैंक रॉबरी करने की सोची है। रॉबरी? कौन सा बैंक? दंगावली में जो है BPL कोऑपरेटिव बैंक। बोल जाओ दोस्त, मेरे लोग 2 बार कोशिश करने के बाद भी फेल हो चुके हैं। उसका बैंक सिस्टम ही कुछ और है। शाम को 6 से लेकर सुबह 10 तक उस बैंक के अंदर का सायरन ऑन ही रहता है। उस बैंक के अंदर रॉबरी करना नामुमकिन है। अगर हमने बैंक मैनेजर को किडनैप करके बैंक का सीक्रेट पता कर लिया तो प्लान सक्सेसफुल होगा। ठीक है। हमने जितना ऑब्जर्व किया है, बैंक मैनेजर को उसकी बेटी और पोती से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत प्यार करता है। मैनेजर सैटरडे को अपना काम खत्म करके क्लब में जाता है। उसी समय पूर्वी, तन्वी और सोनी, ये तीनों लोग मैनेजर की बेटी और पोती को अपने कब्जे में ले लेंगी। इससे पहले कि वो बाहर आए, मैं और अप्पू उसकी गाड़ी के फ्यूज को निकालेंगे। मैनेजर के बाहर आने से पहले तुम अपनी कार के लॉक को ओपन कर लेना, और जैसे ही मैनेजर बाहर आता है तुम उसे अपने कंट्रोल में ले लेना। डोंट मूव। कौन हो तुम? पीछे मुड़कर देखोगे तो भेजा उड़ा दूंगा। तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को बाद में फोन करना, पहले ये सुनो। हेलो दादाजी, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए दादाजी, प्लीज मुझे बचा। मेरी पोती को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगा। प्लीज दादाजी, मेरी पोती को कुछ मत करना प्लीज। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारे बैंक के डिटेल्स चाहिए। बताता हूँ, लेकिन मेरी पोती को कुछ मत करना प्लीज। लॉकर कोड 2468 5। हमारे बैंक में एक सिस्टम है, शाम 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक लेजर की लाइट्स ऑन रहती हैं। लेजर बीम क्रॉस करते ही सायरन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, उससे कोई भी नहीं बच सकता है, मुझ पर भरोसा करो। हमें पता है मैनेजर, ऑलरेडी हमने आपके पेन में कैमरा रखकर सब पता कर लिया है। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी फैमिली में किसी को जिंदा रहने नहीं देंगे। विकी, अगर तुम इस तरह से खामोश बैठोगे तो कैसे चलेगा? विकी, सायरन की खोज जिसने की है ना, वो भी एक इंसान ही है। उसे सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम बैंक रॉबरी जरूर करेंगे। विकी, राजा बिल्कुल सही बोल रहा है।
तू ऐसे डिप्रेस रहेगा तो कैसे चलेगा? पूर्वी, तन्वी, सोनी अपने माँ बाप से मिलने गाँव गई है। उन लोगों के आने से पहले हम इस प्लान को अंजाम देंगे। उन लोगों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है उसने जरूर कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोच रखा होगा, इसलिए टेंशन मत लो। अगर तुम दोनों ने साथ दिया तो कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूंगा। जैसे अप्पू बोल रहा है, अगर बैंक को हम एक बार अंदर से अब्जॉर्ब करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अगर बैंक का ब्लूप्रिंट मिल जाता ना तो आसानी होती। ओके, ब्लूप्रिंट। अफजल भाई, अगर हम लेजर लाइट को क्रॉस करेंगे तो साउंड आएगा। मैनेजर के कहने के मुताबिक मैनेजर के कैबिन की चाबी उसके असिस्टेंट के पास होगी। अगर असिस्टेंट मैनेजर को ड्रॉप करेंगे तो नहीं, मैनेजर के डोर को तोड़कर हमें अंदर जाना होगा। सो तभी साउंड आएगा। साउंड को अवॉइड करने के लिए कुछ तो प्लान बनाना होगा। Yes. हमने बैंक को जैसे ऑब्जर्व किया है उसके मुताबिक बैंक के इर्द गिर्द कोई घर नहीं है, इसलिए हम बैंक के पीछे से पाइप के जरिए बैंक के अंदर घुसेंगे। प्लान के मुताबिक 3 से 4 बजे के बीच हमें बैंक में रॉबरी करनी होगी। 3 बजे बैंक के अंदर के एसी डेक के जरिए 3 से 3:10 तक हमें बैंक के अंदर एंट्री लेनी होगी। ठीक 3:30 बजे मैनेजर के रूम का दरवाजा तोड़कर हमें अंदर जाना है। उस डोर को तोड़ना ही क्यों? बैंक मैनेजर को हमने ड्रॉप में ले लिया तो उससे उसकी चाबी लेके हम अंदर जा सकते हैं। मैनेजर ने जैसा बताया है वो चाबी असिस्टेंट मैनेजर के पास होती है। अगर ऐसा है तो असिस्टेंट मैनेजर को ड्रॉप करके हम लोग उससे चाबी ले लेते हैं। अरे हर कोई मैनेजर जैसा सेंटिमेंटल फूल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तुम डोर ओपन करके अंदर जाने की बात कर रहे हो ना, वो तो ठीक है, हम कटिंग मशीन यूज करके डोर को ओपन करके अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन साउंड तो तब भी आएगा। फिर हम इस साउंड को अवॉइड कैसे करेंगे? बैंक के बगल में ही रेलवे स्टेशन है, इसलिए करेक्ट 3:30 बजे ट्रेन आती है। उस वक्त शहर के खामोश होने की वजह से ट्रेन की आवाज़ बहुत तेज होती है। उस वक्त हमें बैंक मैनेजर के डोर को तोड़ना होगा। इसके लिए हमारे पास बस 5 मिनट का समय है। मैनेजर के रूम से लेजर रूम तक जाने तक दूसरा डोर मिलेगा। चाबी इस्तेमाल करके हम लोग अंदर जा सकते हैं तो दूसरा डोर हमें वहां मिलेगा। अगर हमारे पास चाबी होती तो हम ठीक 4 बजे लेजर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम लेजर लाइट को क्रॉस करके वहां जाएंगे। क्रॉस करते समय सायरन साउंड भी ऑन हो जाएगा, तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लीज यार, मुझसे और कोई सवाल मत करना। मेरे प्लान के मुताबिक ठीक 4:05 को बैंक के बगल में जो बस स्टॉप है वहां अगर बम ब्लास्ट होगा तो हमने जो बैंक रॉबरी सोची है वो 100% सक्सेसफुल होगी। और अगर रॉबरी सक्सेसफुल करनी है तो हमें अफजल भाई का साथ चाहिए। सो हम अपना प्लान अफजल भाई से डिस्कस करेंगे। पुलिस के आने से पहले मैं, राज और अप्पू वहां पर जाकर एसी डेक के पास बैंक के अंदर चले जाएंगे। आपका लड़का फयाज और हमारे लोग बैंक के नीचे खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगे। जब पुलिस रजिस्टर्ड में आकर साइन करेगी उससे पहले बैंक सिक्योरिटी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उनको बेहोश करेंगे। ठीक 3:40 को बैंक के करीब जो बस स्टॉप है वहां पर बम ब्लास्ट होगा, साथ में 3 डेड बॉडी भी होनी चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन गाड़ी को ब्लास्ट क्यों करना है? वही तो सस्पेंस है। इसके अलावा एक काम और है, बैंक के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए। अगर हम एम्बुलेंस में एस्केप होंगे तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। जब हम बैंक के अंदर रॉबरी कर रहे होंगे तो हम सभी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, तो उसके लिए अगर कोड वर्ड रहेगा तो अच्छा रहेगा ना? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। पैसे चोरी करते हो, वो भी पानी पूरी खाने के लिए, छोड़ूंगा नहीं। अगर दोबारा पानी पूरी का नाम ही लिया ना,
पानीपुरी। पुलिस की जीप आ गई। ए, उसको मैसेज करो। पानीपुरी, 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 पानीपुरी। पुलिस की गाड़ी आ गई है। साइलेंस। ए, गाड़ी रोकना। ए, सुनो, उन्होंने गाड़ी रोक ली है। ए, जाके देखो कार क्यों खड़ी है यहाँ। ए, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या साहब, रात में भी लवर्स को फ्रीडम नहीं है क्या साहब? ठीक है साहब, डांटेंगे, जल्दी निकल लो। लवर्स लोग हैं सर। ठीक है, पुलिस निकल चुकी है। पानीपुरी, 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 पानीपुरी। भाई आपने जो काम बोला था वो पूरा हो गया है। जल्दी से एम्बुलेंस लेकर जाओ। ठीक है भाई। ए, 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 गाड़ी रोक। कहाँ जा रहे हो? सर मैं गोडाउन जा रहा हूँ सर। ठीक है, गाड़ी के पेपर्स लेकर आओ। ठीक है साहब। ठीक है साहब, जाओ। ए, गाड़ी ठीक से चेक किया ना? ए, जरा रोक। इस टाइम किसका फोन बज रहा है? वो मेरे मालिक ने फोन किया होगा साहब। देखा मुझे, ये देखिए साहब,
ठीक है, स्पीकर ऑन करके बात कर। अच्छा साहब। भैया अपनी गाड़ी बस अभी पहुंची है। ठीक है, गाड़ी को ले जाकर अनलोड करो। ठीक है भैया, मैं मंडी जा रहा हूँ। ठीक है फैजल। मैंने बोला था ना साहब, मालिक का फोन है। चलता हूँ साहब। पानीपुरी 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 पानीपुरी। अफजल भाई, पुलिस से हमें कोई परेशानी नहीं हुई? आपने जो जगह बोली थी मैं वहां लेके जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, और ठीक, से काम ठीक है। पानीपुरी 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 पानीपुरी। अफजल भाई, हाँ, आपने जो जगह बताई थी मैं वहाँ पहुँच गया। ठीक है, एक मिनट वेट करो। ठीक है भाई। पानीपुरी 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 पानीपुरी। अपने लड़के जगह पर पहुँच गए। ओके ओके। पानीपुरी 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 पानीपुरी। अफजल भाई, प्लान सक्सेस। आश्रम में सारा इंतजाम कर दिया, वहाँ जाकर फ्रेश हो जाओ। और वहाँ से फ्रेश होने के बाद सीधे मैंगलोर पहुँच जाओ। ओके भाई, वहाँ मेरे लड़के सारा इंतजाम कर देंगे। ओके यापो, अफजल भाई ने सारा इंतजाम कर दिया है। हम अभी जिस हालात में हैं, ऐसे जाएंगे तो फंस जाएंगे। सो आश्रम में जाकर हम सबसे पहले ड्रेस चेंज करेंगे। ठीक है भाई, अफजल भाई जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। पानीपुरी पानीपुरी। अफजल भाई, हाँ बोलो मेरे दोस्त। अभी हम लोग आश्रम से कपड़े बदल कर मैंगलोर की तरफ जा रहे हैं। ओके दोस्त, तुम लोग वहाँ पहुँच जाओ, मैं बाद में आकर तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके, एक चेकपोस्ट से हम लोग बच गए हैं, आगे के चेकपोस्ट में क्या होगा पता नहीं। सो मेन रोड अवॉइड करके शॉर्टकट रास्ता पकड़ते हैं। ठीक है भाई। बॉम्ब ब्लास्ट में दो आतंकवादी के संकेत मिले हैं।
चित्रा तुम्हें कुछ नहीं होगा। चित्रा क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन, क्या हुआ? ये पानी पी लो। क्या हुआ इसे? पता नहीं कौन है ये? क्या हो गया इसे? कौन है ये? हम दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हम जैसे कई स्टूडेंट्स को काम दिलाने के बहाने इस जंगल में लेकर आए हैं और अपनी मर्जी से काम करवा रहे हैं। हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी हम जंगल से नहीं निकल पा रहे हैं। डॉक्टर थॉमस, ये इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इंसान की बॉडी में से कुछ नई दवा बनाने के लिए गवर्नमेंट को ये एप्लीकेशन दे चुके हैं। इनका फॉर्मूला ये है कि एक इंसान को 50 लोगों की शक्ति मिलेगी जो मंदबुद्धि होगा। अगर इस फॉर्मूला को ग्रीन सिग्नल मिल गया तो कितने लोगों की बलि चढ़ेगी, इसलिए गवर्नमेंट ने इस फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए डॉक्टर थॉमस ने अपने काम से रिजाइन कर दिया है। उसके बाद वो कहां चले गए, कहां रहते हैं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर थॉमस ने उस एक्सपेरिमेंट को फिर से इस जंगल में शुरू कर दिया है और कई मासूम लोगों की जान की बलि चढ़ रही है। डॉक्टर थॉमस को कुछ साइंटिस्ट गैर कानूनी तौर पर मदद करते हैं, क्योंकि डॉक्टर थॉमस से वो फॉर्मूला खरीद कर कुछ मासूम लोगों की बॉडी में उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस फॉर्मूले के जरिए कई लोगों को बीमार करके फिर उनके ही बॉडी पार्ट्स डील कंपनी में बचाव के लिए लाए जाते हैं और उनको दवाइयाँ देकर इस तरह से करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इस तरह से डॉक्टर थॉमस को एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे भी मिलते हैं और संगठन से मदद भी मिलती है। इसी वजह से कई मासूम लोगों की जान जा रही है। डॉक्टर थॉमस को जिंदा बॉडीज देने के लिए एक गैंग भी इसमें शामिल है। जो लोग ड्रग और गांजा के शिकार हैं वो ड्रग एडिक्ट लोग पुलिस की ड्रेस पहनकर इस जंगल में आने वाले मासूम लोगों को धोखा देकर डॉक्टर थॉमस तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस हो गया है कि डॉक्टर थॉमस का फॉर्मूला सक्सेस हो गया है, लेकिन उस वक्त उनको कोई बॉडी नहीं मिली। मेरा फॉर्मूला जरूर सक्सेसफुल होगा। मुझे इमीडिएटली एक बॉडी चाहिए। मेरा 3 साल का सपना आज पूरा हो जाएगा। मुझे किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। यहाँ रहने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स की बॉडी मिल गई तो भी चलेगा। आई वॉन्ट इमीडिएट बॉडी। इसके लिए तुम लोग क्या करोगे मैं नहीं जानता। मुझे हर हाल में बॉडी चाहिए। उनकी बातों को सुनकर मेरे फ्रेंड ने आकर मुझे बताया। अब हम लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग आए हैं, लेकिन इस जंगल से उनके आदमी हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। वो लोग हमें मार देंगे सर। सर हमारी मदद कीजिए सर। हमें बचा लीजिए। प्लीज सर, प्लीज सर, बचा लीजिए हमें। हमें बचा लीजिए सर। हमारे साथ जो लोग आए थे उनको हमारी आंखों के सामने जिंदा मार दिया गया है। प्लीज प्लीज हमें बचाइए। चलो जल्दी जल्दी चलो। विकी क्या हुआ? चलो जल्दी चलो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार ही करते रहोगे क्या? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? तुम जैसे पानी पूरी बेचने वालों के साथ मैं शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। अरे इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? आजकल मेरा रेंज ही कुछ और है। कॉफी डे, पिज्जा, बर्गर लाकर देने के लिए लड़के लाइन में खड़े हैं। अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझ गए? चलो जाओ यहाँ से। पुअर गाय। सर विक्रम, वेयर आर यू? मैं
मैं फैमिली के साथ छुट्टी पर हूँ। यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और बैंक रॉबरी हुई है, तुम अर्जेंटली ड्यूटी ज्वाइन करो। यस सर। डू फास्ट। ओके सर। एसी चैंबर से वो लोग आसानी से अंदर घुस गए। इसका मतलब वो लोग काफी पहले से इस बैंक को ऑब्जर्व कर रहे थे। आदर्श जी, इस बैंक के मैनेजर को अंदर लेकर आओ। ठीक है सर। आदर्श सर, कैमरे की फुटेज को चेक करो जल्दी। ओके सर। बस इतना ही हुआ। बताइए सर, इस बारे में आप कुछ भी जानते हैं तो? उस दिन जब मैं क्लब से बाहर आकर जैसे ही गाड़ी में बैठा, तभी एक आदमी गाड़ी में आया और मेरे सिर पर गन रख दी। पीछे मुड़कर देखने भी नहीं दिया। उसके अलावा और भी लोग थे, मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन उन लोगों ने मेरी बेटी और पोती को ट्रैप में फंसाया था। उनको कोई नुकसान न पहुंचाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट भी की थी। फिर उसने मुझसे चाबी मांगी और सायरन कैसे बंद करना है ये पूछा और बोला कि उसके बाद हम खुद देख लेंगे। सायरन की सारी डिटेल लेने के बाद मैंने उसे चाबी दे दी, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने पेन में कैमरा लगाकर सारे सीक्रेट्स रिकॉर्ड कर लिए थे। वैसे उस सायरन के बारे में सिर्फ मुझे ही पता था, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बारे में उन लोगों ने कैसे पता किया ये पता नहीं। पेन कैमरे के बारे में बता रहे थे, उस पेन को क्या आपने किसी को लिखने के लिए दिया था या एक्सचेंज करने के लिए दिया? ठीक से याद कीजिए। हाँ, याद आ गया। उस दिन मेरी पोती का बर्थडे था, उसी खुशी में मैं बैंक आया था। यहाँ गेट के अंदर घुसने से पहले एक लड़की ने मुझसे पेन मांगा था। इतने में एक लड़के ने आकर मुझे धक्का दिया। ओके, वो कौन सा दिन था कुछ याद आ रहा है आपको? सिक्स्थ सर। 6 तारीख नाइट का फुटेज डिलीट हो गया है सर। गुड, वेरी ब्रिलियंट। चलो जल्दी, चलो आराम से, चलो चलो आराम से आना, जल्दी आओ, फास्ट जल्दी आओ। रुक जाओ, थक गए। हे सुनो, हमारा यहाँ रुकना खतरनाक होगा। चलो। नहीं, चलो चलो जल्दी जल्दी। वहां से नहीं होगा। जल्दी चलो ना। अरे सर, जो कल बम ब्लास्ट हुआ है उसमें 3 लोगों की मौत हुई है ना, लेकिन वो बॉडी पहले से ही मरी हुई है सर, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है सर। ओके
ओके अभिषेक, मैं कैरी करता हूँ आगे। ओके। चार बजे बॉम्ब ब्लास्ट और 3:45 के बीच में बैंक रॉबरी, दोनों आसपास में ही हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट और बैंक रॉबरी का कोई तो संबंध आपस में जरूर है। क्या संबंध है? सायरन के साउंड को अवॉइड करने के लिए उन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया होगा। ब्रिलियंट। आदर्श सर, बैंक रॉबरी का बॉम्ब ब्लास्ट से कोई संबंध है? ओके सर। इसमें टेररिस्ट का कोई हाथ नहीं है, कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर, ठीक है। बोलो। कल रात को हमारा पीसी बैंक के सिक्योरिटी से साइन लेने के बाद जब वो जा रहे थे तो कुछ दूरी पर गाड़ी में कुछ लवर्स बैठे थे, शायद उनका और बैंक रॉबरी का। अगर वो लवर्स होते तो रात में कुछ और काम कर रहे होते। इतना सारा च्युइंगम खाकर यहाँ पर फेंका है, इसका मतलब वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे। जो इस गाड़ी में थे उनका इस बैंक रॉबरी से कोई संबंध जरूर है। आदर्श सर, यहाँ पास में कोई टी शॉप या बेकरी वगैरह है?
की चाय दो। अच्छा, दुकान में च्युइंगम भी रखते हो क्या? हाँ है सर। कौन कौन सा है? हर टाइप का है सर। अगर कोई दुकान में आएगा तो कितने खरीदेगा? एक दो खरीदते हैं सर। ओ, अभी हाल फिलहाल में कोई तुमसे ज्यादा च्युइंगम खरीद कर गया था क्या? हाँ सर, कल ही लेकर गया है। ओके। उस सिग्नल पर जो कैमरा है उसका जल्दी से मुझे फुटेज चाहिए। ओके सर। हाँ बोलो सर। फुटेज को देखकर मुझे डाउट हो रहा है। मैं आपको मेल करता हूँ। ओके, देखता हूँ। शह, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। आसानी से बच गया वो। आदर्श सर, मैं तुम्हें अभी एक क्लिपिंग भेज रहा हूँ। Okay, हिट लिस्ट में जितने भी क्रिमिनल्स मौजूद हैं, उनकी फोटो को इस क्लिपिंग से मैच करके देखो। जिस किसी का भी फोटो मैच हो जाए उसका प्रोफाइल मुझे भेजो। ओके सर। ओके, फास्ट। इन फोटोज को अपने रिकॉर्ड में चेक करो। हाँ ठीक है सर। हाँ बोलो सर। इसका नाम है फयाज और ये हिट लिस्ट में है। और ये गोरी पालिया में रहता है। फयाज, गोरी पालिया। आ जाओ, जल्दी जल्दी।
विकी, मुझे बहुत डर लग रहा है विकी, वो हमें मार डालेगा विकी। बेवजह डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्लीज मत डरो तुम, कुछ नहीं होगा, चलो। चलो। चलो, आओ। रुक जा। छोड़ दीजिए साहब, चुप हो जा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बोल, फयाज कहाँ है? फयाज मैंने देखा नहीं साहब। देखा नहीं? नहीं देखा साहब। देखा नहीं? नहीं देखा। फयाज से मिले हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। अगर बताया नहीं तो यहीं पे गोली मार दूंगा। नहीं सर, मैं नहीं जानता। फयाज को मोबाइल और सिम कौन सप्लाई करता था? मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानता? नहीं जानता हूँ। बता रहा क्या है ना, सैयद कर्नाटका मोबाइल शॉप से मैंने ला कर दिया था साहब। कौन है वो, कहाँ रहता? पता नहीं साहब। तुझे सब पता है? वो हमारा गौरीपुर में मस्जिद है ना साहब, भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मैं रिजवान कार्लेकर, मंजे एक मोबाइल और एक सिम कार्ड होना। ए, मोबाइल दिखा रहे? ठीक है भैया। ऐसा एक सिम कार्ड भी होने का? उसके लिए डॉक्यूमेंट देना होगा भाई। नहीं भाई, डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, मंजे फयाज भाई ने भेजा है। फयाज भाई ने भेजा है क्या? ठीक है, देता हूँ। कौन हो भाई आप? पुलिस। इस हफ्ते फयाज को कौन सा नंबर दिया था? हेलो। हाँ, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, इमीडिएटली ट्रैक करो उसे। 9071273779।
ये नंबर तो वॉशिंगटन गली में दिखा, उसके बाद ऑफ हो गया सर। शिट, अरे विकी छोड़ उसे, इधर आ, इधर आ, चल चल चल। सर सर एक नंबर अभी अभी एक्टिवेट हुआ है। सर आपने जो नंबर दिया है वो अभी अभी एक्टिवेट हुआ है सर। उस नंबर को मेरे साथ कनेक्ट करो। यस सर, इमीडिएट कनेक्ट करता हूँ सर। हेलो सर। हेलो मेरे दोस्त। हाँ बोलो। बहुत प्रॉब्लम है सर। उन्हें बचा लीजिए सर, प्लीज सर बचा लीजिए। डोंट वरी, मैं वहां पहुंच रहा हूं।
उनके हाथ में गन है और वो लोग हैवान लग रहे हैं। लगता है हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा बचना मुश्किल है। उनको अलग अलग कर देंगे तो एक एक करके मारने में आसानी होगी हमें। क्या बोलता है तू? तुम ठीक बोल रहे हो। एक काम करो, तुम दोनों एक रास्ता चुनो और हम दोनों एक रास्ता चुनते हैं। जल्दी आओ यहाँ, इधर आओ। मुर्गन, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मुर्गन, लेकिन मैं मेरे दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। और मुर्गन, इससे तो मुर्गन जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनो आदर्श, जल्दी से पुलिस फोर्स को यहाँ पर भेजो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। सर, जो बैंक रॉबरी हुई है
उसके पीछे की वजह डॉक्टर थॉमस है। 6 लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे, उनमें से 3 लड़के थे और 3 लड़कियां थीं। उनमें से 3 की मौत हो चुकी है और बचे हुए 3 मेरे साथ हैं सर। मैं तुम लोगों को पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं। अजीब लग रहा है ना, तुम्हारे फ्रेंड ने मरने से पहले सारा सच बता दिया था और इसी वजह से मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं। तुमने जो कुछ भी किया वो कानून के खिलाफ है। इंसान के जीवन में पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं होती, ये याद रखना, और आगे लाइफ में कोई अच्छा काम करना। हाँ बोलो आकाश। सर मैंने ऑलमोस्ट सबको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन डॉक्टर थॉमस मिसिंग है सर। सर हमने सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन डॉक्टर थॉमस अभी भी मिसिंग है, बट ही इज अलाइव सर।